दोस्तों एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए जा रहे हार्दिक पांड्या को गालियां सुनने पड़े। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, टाटा आईपीएल 2024 का शुरुआत मुंबई इंडियंस के लिए कुछ ठीक नहीं रहा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में लगातार 3 मैचों में हार के बाद मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट और साथी नीता अंबानी का बड़ा बयान आया। सूर्य कुमार यादव की टीम में वापस कराते हुए हार्दिक पांड्या को और 2 मैचों की चांस दी गई है। अगर वहां पर वो अपना प्रदर्शन को सुधारते हैं तो उनके पास कप्तानी रहेगी, अदरवाइज उनसे कप्तानी छीन ली जाएगी। और हार्दिक पांड्या के कप्तानी छीनने के बाद मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, या तो रोहित शर्मा, या फिर जसप्रीत बुमराह, या फिर सूर्य कुमार यादव। ऐसे में रोहित शर्मा को ऑलरेडी ऑफर मिल चुका है मुंबई इंडियंस की कप्तानी को लेने को लेकर के, मगर रोहित शर्मा इस ऑफर को रिजेक्ट कर चुके हैं। वहीं दोस्तों सूर्य कुमार यादव की वापसी हो चुके हैं मुंबई इंडियंस की टीम में, लेकिन वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने 3 शर्त रखी है मुंबई इंडियंस टीम की ओर से दिल्ली के खिलाफ खेलने के लिए। पहला तो ये कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में सूर्य कुमार यादव खेलना भी नहीं चाहते, लेकिन 2 चांसों की वजह से खेलते भी हैं तो हार्दिक पांड्या की कोई भी बात नहीं मानेंगे और वो जिस तरह से 4 नंबर पर बैटिंग करते हैं वहीं पर करेंगे। दोस्तों इस वक्त मुंबई इंडियंस टीम और नीता अंबानी के लिए बुरी खबर ये है कि रोहित शर्मा कभी भी आईपीएल 2024 में ही मुंबई इंडियंस टीम को ड्रॉप कर सकते हैं। वहीं आईपीएल 2025 में तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस टीम को ऑलरेडी छोड़ देंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है।